सभी फ्रेंड्स को नमस्कार बेटा, आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब हम आप लोग कर लेना। और मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आप लोगों की सभी प्रकार की स्कॉलरशिप, खास तौर पर समाज कल्याण विभाग की CM स्कॉलरशिप और कालीबाई मेधावी स्कूटी और देवनारायण स्कूटी योजना के ऊपर। स्कूटी की योजनाओं को लेकर के बच्चों के मन में ढेर सारे भ्रम रहते हैं, तो उनको लेकर के मैं सवालों के जवाब आज दे दूंगा, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो समझ नहीं पाते चीज़ों को और कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, समाज कल्याण विभाग की जो स्कॉलरशिप है वो अमूमन आती है जून जुलाई में, तो आप लोग अपने ऑब्जेक्शंस दूर करा लें, ई मित्र के माध्यम से, SSOID के माध्यम से बायोमेट्रिक लगवा लें यदि नहीं लगवाई है तो। अब चूंकि एग्जाम चल रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा पता करके आए कि बायोमेट्रिक होगी या नहीं होगी या कब होगी, इस चीज़ को लेकर के आप लोग थोड़ा सा निश्चित हो जाए। सिर्फ समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप में बायोमेट्रिक होती है, बाकी में नहीं होती, ना CM स्कॉलरशिप में होती है ना स्कूटी योजना में होती है। अच्छा, स्कूटी की योजना को लेकर के बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं और हमेशा रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों का भ्रम है उसको आप लोग दूर कर लें। इस महीने में 2021-22 वाले बच्चों की जो इस सूची है उनके आने की पूरी संभावना है इस महीने के आखिर तक, पहले नहीं आएगी। और यदि सूची आ जाएगी तो स्कूटी कब तक मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो स्कूटी मिलने में बेटा कम से कम 3 महीने और लग जाएंगे, तो मेरे हिसाब में जुलाई में आप लोगों को स्कूटी मिल सकती है, उन बच्चों को जो 21-22 के हैं। 22-23 के बच्चों की जो सूचियां हैं मेरे हिसाब में संभवतया जून में आएंगी, और जून में स्थायी सूची आएगी। देवनारायण और कालीबाई दोनों की एक साथ आएंगी, तो इसको लेकर के कोई डाउट नहीं है। तो जो 22-23 वाले बच्चे हैं उनकी स्कूटी की अंतिम लिस्ट जून तक आएगी, और इनको अगस्त तक स्कूटी मिलने की संभावना है। इस साल ये जल्दी मिल जाएंगी, पिछले सालों में दीपावली या उसके बाद जनवरी फरवरी तक इनका वितरण होता आया है, लेकिन चूंकि चुनाव है और सरकार शायद इलेक्शन से ठीक पहले, आचार संहिता के लगने से पहले आप लोगों को स्कूटी दे देगी, ऐसा मेरा मानना है, तो शायद इस बार स्कूटी आपको जल्दी मिल जाएगी। आप लोग अलर्ट रहें, सूचना के लिए आप लोग मेरे साथ भी जुड़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल ऑफिशियल और आधिकारिक सूचनाएं मिलेंगी, क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चे मुझे जानते हैं। जितनी भी सूचनाएँ अपने माध्यम से आती हैं वो काफ़ी ऑफिशियल तरीके से मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ और बेहद ऑफिशियल होती भी है। जो टोटल नंबर ऑफ स्कूटीज हैं वो 20,000 रहेंगी 21-22 के लिए, जिसमें कालीबाई मेधावी और देवनारायण दोनों ही शामिल हैं। और जो 22-23 के बच्चे हैं उनके लिए स्कूटियों की संख्या रहेगी 30,000, लेकिन इसमें भी दोनों ही प्रकार की स्कूटी शामिल है, तो ये पिछले कुछ सालों में दोनों को मिलाकर के स्कूटी की संख्या काउंट करते हैं, आप लोग उसी हिसाब से इसको कंसिडर करें। और अब इनकी जब अंतिम सूची आएगी तब आप लोगों के साथ संवाद फिर कायम करेंगे, बीच में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा पता करने की, पूछने की। आप लोग खुद एक दूसरे के साथ बेटा वीडियो को शेयर कर देना, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं शेयर कर ही चुका हूँ, बाकी के धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप लोग जुड़े रहोगे तो चैनल के माध्यम से कोटा यूनिवर्सिटी की कोई खबर छूटने वाली है नहीं। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक, थैंक यू।